बाथरूम स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग पढ़ेंगे झूला, चैप्टर नंबर 7। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? टपका का डर, चैप्टर 6। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, झूला। तो ये लिखा है राम सिंहासन सहाय, जिनको पदवी मिली थी मधुर नाम की। राम सिंहासन सहाय ये क्या है? एक कवि है। तो एक कवि की पदवी जब इन्हें मिली तो हम बोलते ना, एक पेट नेम मिलता है, एक निक नेम होता है। तो राम सिंहासन सहाय को जो निक नेम मिला या जो पदवी मिली, उपाधि मिली, वो क्या थी? मधुर। तो इस पोएम में हम क्या पढ़ेंगे, इस कविता में हम क्या पढ़ेंगे कि प्रस्तुत कविता राम सिंहासन सहाय मधुर द्वारा रचित है। बच्चों को झूले से लगाव होता है, झूले पर चढ़कर बच्चे क्या क्या कल्पना करते हैं, इसका विवरण कविता में दिया गया है। अब विवरण मतलब एक्सप्लेनेशन, या फिर उसके बारे में हम कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रखते हैं ना, उन्हें हम कहेंगे विवरण। तो ये पोएम हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दो बच्चे नज़र आ रहे हैं, एक झूले पे और एक झूले वाले बच्चे को झूला दे रही है। तो अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूँगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। तो इसमें अम्मा मतलब माँ को अलग अलग नाम से कोई माँ बोलते हैं, कोई आई बोलते हैं, कोई मम्मी बोलता है। सो अम्मा, ये माँ के लिए यूज़ किया गया वर्ड है, अम्मा आज लगा दे झूला। मम्मी को ये बच्चा बोल रहा है कि झूला लगा दो, मैं आज इस पर झूलना चाहता हूँ, इस पर चढ़कर मैं आगे बढ़ूँगा और आसमान को छू लूँगा। झूला क्या होता है? ऊपर हवा में जाता है। ऊपर हवा में जाता है तो ऐसे लगता है ना, हम आसमान को छू रहे हैं। तो ये बच्चा वही कल्पना करते हुए ये कह रहा है कि इस पर चढ़कर, किस पर? झूले पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। तो आसमान को छूने की बात ये बच्चा करता है। और आसमान से जब हम जाते हैं तो एरोप्लेन या फिर हवाई जहाज़, इसमें चढ़कर हम लोग अलग अलग जगह जा सकते हैं। तो इसे उसी से कंपेयर किया गया, उसी से बराबरी दिखाई गई, और दिल्ली और कलकत्ता ये ले जा सकता है, ऐसा सोच रहे, ऐसी बच्चों की कल्पना है। झूला झूल रही है हर डाली। अब पेड़ पर झूला बांधोगे और झूला हिलेगा तो क्या होगा? डाली डाली पेड़ की हिलेगी, पूरा पेड़ हिलेगा, पेड़ के पत्ते हिलेंगे। तो वही इसमें कहा गया है कि झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। दिल्ली कहाँ है? नॉर्थ इंडिया में। और कलकत्ता कहाँ है? साउथ इंडिया में। साउथ यानी दक्षिणी भारत, और दिल्ली कहाँ है? उत्तरी भारत में। तो एक कोने से दूसरे कोने ले जा सकता है, कुछ इस तरीके की बात इस पोएम में कही जा रही है। पढ़ते हैं जो लास्ट स्टांजा है, जो लास्ट पैराग्राफ है इस पोएम का। तो ये नीचे की धरती, नीचे की धरती कैसे झूलेगी? बच्चा झूले पे बैठा है, वो हिल रहा है, तो उसे नीचे की धरती झूलती है, क्योंकि वो तो एक जगह पे बैठा है, वो रेस्ट में, लेकिन बॉडी क्या है उसकी, जो झूला है, बॉडी नहीं हिल रही पर झूला तो हिल रहा है। तो उसे क्या लगता है, जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो हम नहीं हिलते, बट ट्रेन हिल रही होती तो ऐसे लगता है ना कि जो प्लेटफॉर्म है वो पीछे जा रहा है। तो वैसा ही कुछ इसमें है कि झूल रही है नीचे की धरती, सेम जैसा हमें रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए फ़ील होता है ना, जैसा हमें महसूस होता है, वही सेम हालत उसे ज़मीन के लिए फ़ील हो रही, वो आगे जाता है और वो धरती पीछे जाती है, जब वो पीछे जाता है तो धरती आगे जाती है। उड़चल 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 मतलब उड़कर चलो, उड़कर चलो। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, बादल बरस रहे होंगे। यहाँ पे देखिए इस स्टोरी में, इस पोएम की जो पीछे ड्राइंग बनाई हुई है, चित्र बनाए हुए, इसमें बारिश आती हुई दिखाई हुई है। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल, मतलब मैं उड़ता उड़ता बादलों को लूट लूँगा। तो बारिश जो हो रही है वो रिमझिम रिमझिम रुक जाएगी, या फिर मैं इसे कंट्रोल कर सकूँगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से इस पोएम को एक्सप्लेन किया गया है। अब इसके हम कुछ शब्दार्थ देखते हैं और अगले लेक्चर में हम इसके स्वाध्याय और अभ्यास को सॉल्व करेंगे। तो शब्दार्थ क्या है? झूला, पहला शब्द क्या है? झूला। झूला शब्द के लिए पालना और हिंडोला, ये वर्ड आपने सुना होगा, पालना और हिंडोला। झूला वर्ड जिन बच्चों ने नहीं सुना है उनके लिए है ये, पालना और हिंडोला। अब पत्ता, पत्ता गुजराती में पान को बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में दूसरा शब्द किसके लिए? पर्ण। और आसमान, आसमान हम किसे कहते हैं? आकाश को। इस तरीके से तीन शब्द हैं आपके लिए, काफ़ी बच्चों ने सुन रखे होंगे और काफ़ियों के लिए शब्द नए होंगे। तो झूला, पत्ता और आसमान।
झूला का सामानार्थी शब्द अगर पूछा जाए तो क्या होगा? पालना। पत्ता का सामानार्थी शब्द पूछा जाए तो पर्ण, और आसमान का सामानार्थी शब्द पूछा जाए तो वो होगा आकाश। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, पोएम सॉरी। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसकी जो एक्सरसाइज है, इसके जो अभ्यास है, स्वाध्याय है, वो हम पूरे करेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही।